ये 2024 के लिए आप बीजेपी से ज्यादा भी महिलाओं का अपमान कोई करता है दुनिया में, इनके सम्मान का बोध कहां से आपको मिल जाएगा। ये जो कल जो सोनिया गांधी के साथ मिसबिहेव किया स्मृति ईरानी, कितनी सज्जन महिलाओं के साथ, और आप कह रहे जब उन्होंने कह दिया कि मेरा जो लैंग्वेज है वो बंगला लैंग्वेज, हम हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोलते, हिंदी भाषा के हम लोग नहीं है, तो हमारे पत्रकार भी जब उनका लैंग्वेज ही दूसरे तरीके का है, और उन्होंने बताया था उनको, उन्होंने क्षमा मांग ली, मैं लैंग्वेज के चलते एक बार नहीं लाख बार कभी बीजेपी को क्षमा मांगते देखे हैं। ममता दीदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा वो, सोनिया जी को क्या क्या नहीं बोलती है वो, अरे वो महिला नहीं है। आपको ट्वीट आया है जिसमें कि स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट जल्दी डिलीट करें, दिल्ली हाईकोर्ट का कलर नेताओं को लेकर। भैया एक बात मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी के हाईकोर्ट का क्या आदेश आया, जो सच्चाई है जो सही है, कल स्मृति ईरानी सन करोड़ नंबर वन पर इंडिया ट्रेंड कर रही, और बाढ़ के मामले में स्मृति ईरानी की बेटी को बिना लाइसेंस के बाहर चलाने का मिला। भैया मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, जांच कौन करेगा, ईडी भी उसी का, सीबीआई भी उसी का, अब विपक्ष उसके निशाने पर, महाराष्ट्र ईडी के बदौलत, अब झारखंड ईडी के बदौलत, तो सब कुछ सत्ता पक्ष ही जायज है, विपक्ष कहीं भी ठीक है, विपक्ष ने लूटा लूटा तो आप जेल में बंद करिए सबको, इतना दिन से कहां थे, सबसे संपत्ति लीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष कितना लूटा उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, और अदानी 1 to 10 में कैसे आ गए, और 10,000 करोड़ रुपया चुनाव में कहां से पैसा आता है,